होली के रंग में किसी प्रकार का दखल न पड़े और अपराधी किसी वारदात को अंजाम न दे सके, इसके लिए पुलिस ने पूरी तरह होमवर्क कर लिया है, जिसको लेकर हैक्स न्यूज की टीम ने फिरोजाबाद के एसपी से जाना कि होली पर पुलिस की क्या व्यवस्था रहेगी। जरा आप भी सुने उनकी जवानी। दो तरह से तैयारी पूरी कर ले हैं। एक तो हम लोग शांति समितियों के माध्यम से सभी तक हम लोगों ने ये मैसेज दिया है कि ये सौहार्दपूर्ण और उल्लासपूर्ण त्यौहार को प्रेमपूर्ण भावना से मनाएं और नशे से दूर रहें। उस दिन शराबबंदी भी है और शराब पी के ड्राइविंग करना या ये, इस पर हमारा अभियान रहेगा, ये आज ही से जारी है। दूसरी बात यह है कि त्यौहार खुशी का त्यौहार है, सब लोग प्रेम से मनाएं और इसमें वैमनस्यता की या दुश्मनी की या जबरदस्ती किसी के साथ रंग डालने की या छेड़छाड़ महिलाओं से छेड़छाड़ करने के लिए इस तरह का कोई अपराध करता तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। हम लोगों ने पूरे क्षेत्र में उस दिन विशेषतः जो है होली जलने से लेके होली खेलने तक वो बिल्कुल अलर्ट रखा हुआ है। सब जगह हम लोगों ने जो मुख्य ट्रेवल पॉइंट है जहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं उनको, उन पर हमने ड्यूटी लगाई हुई है कि जहाँ पर इस तरह हो सकती है। इसके अलावा फायर ब्रिगेड जो मुख्य चौराहे हैं उन पर फायर कर्मचारियों की फायर टेंडर के साथ वहाँ ड्यूटी लगाई है। हमको PTS उन्नाव से भी 50 सब इंस्पेक्टर मिले हुए हैं अंडर ट्रेनिंग, तो उनको भी हम अपना पूरे क्षेत्र में हमने उनकी ड्यूटी लगाई हुई है। बाकी उस दिन कार्यालय बंद रहेगा तो जो हमारे कार्यालय में फोर्स रहता है और SPO कार्यालय में फोर्स रहता है उन सबको हम लोगों ने डिप्लॉयड किया हुआ है और हर जगह हमारे जो पुलिस बल रहेगा कि कोई किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति ना हो। हम बार बार लोगों से भिन्न भिन्न जगह थाना लेवल पे, जिले लेवल पे और इवन गांव लेवल पे जो मीटिंग करी है उन पे भी हम लोग अपील कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हो और मुझे विश्वास है कि जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं और जिस तरह से हम लोगों ने फोर्स को डिप्लॉयड किया है शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से ये त्यौहार संपन्न होगा। तो इसके लिए कोई विशेष मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर ऐसा कोई जारी किया गया है? अधिकारी हमारे फील्ड में तैनात हैं, जिले में तैनात हैं, सभी के नंबर हैं। और इसके अलावा जो 100 डायल है इस बार उनको हम लोगों ने विशेष ब्रीफिंग की हुई है कि ऐसी घटनाओं को वो करें, तो यदि लोग उनको और किसी अधिकारी का नंबर याद नहीं है तो वो 100 डायल करें या अगर कोई वो महिला है तो 1098 का 1090 या 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन किसी भी नंबर पर जो हमारे पुलिस के नंबर हैं 100 नंबर और हमारे कंट्रोल रूम के नंबर, हमारे पुलिस अधिकारियों के नंबर, इन पे आप डायल करके सभी के मोबाइल उठेंगे और आप भी करके भी देख लेना।